ऐसा जो है जिन्ना की औलाद, ऐसा मगरब जैसी कहा गया हूँ महबूब आलम कहा गया, कहा गया वो तो खुद अध्यक्ष महोदय मीर जाफर की औलाद है, कहा गया अध्यक्ष महोदय, उस पर कार्रवाई हो और कल भी अध्यक्ष महोदय बांग्लादेशी औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, मार्क्स लेनिन की औलाद है, जिन्ना की औलाद है, कहा है वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम अध्यक्ष महोदय, आप ही नहीं टोके ऐसे जिस तरह उन्होंने कल बोला अध्यक्ष महोदय, ये देश तो ही चाइना लेनिन की औलाद, संसदीय संदोकों का जो आई से निकलवा दिया जाएगा जांच करा करके। कल माननीय सदस्य महबूब आलम जी ने जो अपने वक्तव्य में बोला और आपने भी उनको रोका नहीं, जो लोग खुद अध्यक्ष महोदय मीर जाफर की औलाद हैं, बांग्लादेशी औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, मार्क्स लेनिन की औलाद हैं, जिन्ना की औलाद हैं, ऐसे लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर आवाज उठाते हैं, ऐसे देशद्रोही लोग, ऐसे जो है जिन्ना की औलाद, ऐसा बांग्लादेशी कहा गया हूँ महबूब आलम कहा गया अध्यक्ष महोदय वो महबूब आलम कहा गया बांग्लादेशी की औलाद, बांग्लादेशी की औलाद कहा गया, वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम कहा गया अध्यक्ष महोदय, उस पर कार्रवाई हो और कल भी अध्यक्ष महोदय शब्द नहीं निकला, कहा है वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम अध्यक्ष महोदय, आप ही नहीं टोके ऐसे बांग्लादेशी की औलाद को, ऐसा जितना की औलाद को, ऐसा चाइना की औलाद को, ऐसे लोगों को आप इन हीरो के अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, चाइना का औलाद है, ऐसे अध्यक्ष महोदय, ऐसे देशद्रोहियों को आपने भी नहीं रोका जिस तरह उन्होंने कल बोला अध्यक्ष महोदय, ये देशद्रोही चाइना लेनिन की औलाद, ये लोग जो अध्यक्ष महोदय, ये लोगों ने निंदा प्रस्ताव होना चाहिए, माननीय सदा सरावगी जी मेरे बात को तो सुनिए, आसन आपने सूचना दिया, जो भी आसन संसदीय शब्द है उसको मैं दिखलवा करके कार्यवाही से अगर वो संसदीय नहीं है तो उसको निकलवा दिया जाएगा, और संसदीय शब्दों को का जो आई से निकलवा दिया जाएगा जांच करा करके। अब तो जाइए अब क्या कहें, आप बोलिए अब क्या कहें, मैंने कहा कि संसदीय होगा का जो आई से निकलवा दिया जाएगा, वही तो मैंने कहा, अब आप अपना जगह लीजिए। माननीय नेता विरोधी दल, आपका समय खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, उन लोगों को कहिए कि बैठे, आप अपने बात जारी रखें। अध्यक्ष महोदय आप बैठिए, माननीय सदस्य, हाँ आप लोग भी अपना ऑर्डर में लाइए, माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठ जाएं, माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य जो भी असंसदीय होगा उसको मैं दिखलवा लूंगा, अगर असंसदीय है तो कार्यवाही से मैं उसको निकलवा दूंगा, नेता विरोधी दल। अब हाउस ऑर्डर बने रहे तो कैसे बोले महोदय, बैठ जाइए, आप बैठिए, माननीय सदस्यगण आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आसन से कहा जा रहा है आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए, आप बैठिए, समय ना बर्बाद कीजिए, अरे बैठिए तो अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए नेता विरोधी,